टू वर्ड एकेडमी डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वील जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4, दैट इज हीट. दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 7 एंड वी ऑलरेडी डिस्कस स्टैंडर्ड सॉरी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3. यू जस्ट वॉच द प्ले लिस्ट एंड यू गेट ऑल आंसर्स फ्रॉम दिस प्ले लिस्ट. ओके, सो लेट्स गो टू द टाइम टू आंसर. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. ओके, लेट्स गो. सो दिस इज फास्ट टाइम टू आंसर. सो फर्स्ट, डैस इज द लिक्विड यूज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर, दैट इज मर्क्यूरी. ओके, देन क्वेश्चन विल बी ऑलवेज डैस द थर्मोमीटर बिफोर यूज, वॉश द थर्मोमीटर. देन सी, ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज द रेंज -10°C टू 110°C. ओके, देन क्वेश्चन नंबर डी, द डैस थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमोस्फियरिक टेम्परेचर ऑफ द डे, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. ओके, डैस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ए प्लेस, टेम्परेचर. ओके, देन सेकेंड टाइम टू आंसर. लेट्स गो, दिस इज द सेकेंड टाइम टू आंसर एंड दिस इज द मैच द फॉलोइंग. ओके, सो रेडिएशन नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. देन डार्क कलर्ड क्लॉथेस इन विंटर्स, सो लैंड ब्रीज नाइट टाइम, सी ब्रीज डे टाइम. ओके, देन नेक्स्ट, दिस इज, ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, सो ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर. वेंटिलेशन इन ए रूम ऑकर्स ड्यू टू कन्वेक्शन. ओके, देन नेक्स्ट, द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड इज कन्वेक्शन. देन नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन. ओके, देन नेक्स्ट, ई नंबर क्वेश्चन, ए पॉलिश्ड सिल्वरी सरफेस इज ए डैश, ए पॉलिश्ड सिल्वरी सरफेस. सो ये हो जाएगा ये पुअर ऑब्जर्वर एंड गुड रिफ्लेक्टर. अगर सिल्वरी होगा, पॉलिश्ड होगा पूरा, ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को. ओके, और हीट को भी. देन एफ नंबर, हीट फ्रॉम द सन रिचेस अस ड्यू टू रेडिएशन. देन क्वेश्चन नंबर टू में आएंगे, ये वाले क्वेश्चन, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स. सो ए थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी कॉजेस एक्सपांसन ऑफ मर्क्यूरी और अल्कोहल. देन क्वेश्चन नंबर बी, ए मेटल स्पून केप्ट इन ए हॉट कप ऑफ टी गेट्स हीटेड ड्यू टू कंडक्शन. देन क्वेश्चन नंबर सी, रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैक्यूम. देन क्वेश्चन नंबर डी, कुकिंग इज फास्टर इन यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स. देन क्वेश्चन नंबर ई, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी. देन क्वेश्चन नंबर एफ, द कंस्ट्रक्शन इन द ट्यूब नियर द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज कॉल्ड निक. देन नेक्स्ट, री राइट, इसको हमने कॉपी में लिखे हैं तो इसको हम कॉपी में चेक कर देंगे. ओके, आप लोग इसको पॉज कर दो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो. ओके ना, तो चलते हैं. सो री राइट, सो फर्स्ट इज, अल्कोहल इज द ओनली मेटल इन लिक्विड स्टेट. सो दिस इज, वी जस्ट चेंज दिस अल्कोहल. सो मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल इन लिक्विड स्टेट. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.6°F. इसको चेंज कर देना है. देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, ड्यू टू कंडक्शन द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फेल्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस ड्यू टू रेडिएशन द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फेल्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस. देन डी, लाइट,
So light colored clothes absorb more heat. No, dark color clothes absorb more heat. So इसीलिए हम white color का dress पहनते हैं ज़्यादातर गर्मी के महीने में, क्योंकि ये light को ज़्यादा reflect करता है, हमें ठंडा मिलता है. अगर ब्लैक कलर का ड्रेस पहनोगे तो हीट ज़्यादा अब्जर्व करेगा, तो गर्मी ज़्यादा लगेगा हमें. सो ए सेल्सियस स्केल हैज़ ए रेंज फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस टू 212 डिग्री सेल्सियस. सो सेल्सियस स्केल में कितना कहाँ से कहाँ तक है? सो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस ई नंबर, देन एफ नंबर. ओके, सो एफ नंबर, ए ब्राइट साइनी सरफेस इज ए बैड रिफ्लेक्टर. सो ए ब्राइट साइनी सरफेस इज ए गुड रिफ्लेक्टर. ओके, ये गुड रिफ्लेक्टर है. नेक्स्ट, सो गिव रीजंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो वेंटिलेटर्स आर मेड क्लोज टू द सीलिंग. ओके, वेंटिलेटर्स आर मेड क्लोज टू द सीलिंग ऑफ ए रूम बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्म, इट राइजेस एंड गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स, कूल्स एंड फ्रेश एयर एंटर्स द रूम थ्रू विंडोज एंड डोर्स विच आर मच बिलो देन द वेंटिलेटर्स. अभी जो वेंटिलेटर के बारे में बता रहे हैं हम यहाँ पे, तो वेंटिलेटर का अभी जो मशीन सब आ गया, रूम प्यूरीफायर भी आ गया, तो यहाँ पर जो मतलब कि घर में जो हवा आता है, गांव के एरिया में तो इतना हवा इतना ख़राब नहीं है, बट शहर के एरिया में हवा थोड़ा ख़राब होता है. और अभी कोरोना के बाद ये वायरसेस क्या होता है ना, अंदर घुस जाते हैं, चारों तरफ फैला हुआ है, तो ये वेंटिलेटर्स लगा देने से क्या होता है ना, सही हवा आपको मिलेगा. ओके, सो देन नेक्स्ट में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर बी, सो ए मेटल स्पून बिकम हॉट व्हेन प्लेस्ड इन ए हॉट कप ऑफ टी. सो ए मेटल स्पून बिकम हॉट व्हेन प्लेस्ड इन ए हॉट कप ऑफ टी बिकॉज हीट फ्रॉम द हॉट टी फ्लोस टू द मेटल स्पून बाय कंडक्शन. कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर एंड ऑफ ए बॉडी विच आर इन कॉन्टैक्ट हुई थी ईच अदर. सो हम देखें ऑलरेडी घर पे अगर चाय बनता होगा तो उस चाय को घुमाने वाला चम्मच को, जो चाय को हम घुमाते हैं ना जब चाय मतलब कि बैठता है आग में, तभी देखना है एक साइड तो हमने किस में चाय में डुबाए होंगे, पर दूसरे साइड ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा. मतलब कि हीट क्या होता है ना, हॉटर से कोल्डर के तरफ से तरफ को ये क्या होता है ना, फ्लो होता है. हॉट एरिया से कोल्ड एरिया तक ये क्या होता है ना, फ्लो होता है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. सो हैंडललेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड. सो हैंडलेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड बिकॉज वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, सो वुड क्या होता है ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए यूटेंसिल्स में क्या लगता है, वुड हैंडल जो होता है. सो रूम हीटर हैव पॉलिश्ड रिफ्लेक्टर्स एट द बैक ऑफ द हीटिंग एलिमेंट. रूम हीटर हैव पॉलिश्ड रिफ्लेक्टर्स एट द बैक ऑफ द हीटिंग एलिमेंट बिकॉज दे हेल्प टू डायरेक्ट ऑल द हीट फ्रॉम द हीटिंग कॉइल टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द हीटर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज ए मेटल एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, देयरफॉर कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम. Then F number question. The next question, the F number question. So the base of some cooking utensils is black in color. The base of some cooking utensils is painted black so that they absorb more heat energy and cook food in less time. Okay.
तो ये क्या होता है ना, अल्यूमिनियम में होता है। और क्या होता है, द बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज पेंटेड ब्लैक। सो ये क्या होता है ना, नीचे वाले हिस्सा जो होता है ब्लैक में होता है, क्योंकि हमने डिस्कशन करा कि ब्लैक कलर क्या करता है ना, ज़्यादा हीट एब्जर्व करता है। आप लोग देखना है जो नॉन स्टिकी जो होता है ना, जो यूटेंसिल्स, उसका देखना है ये क्या होता है ना, आपका जो निचला वाला हिस्सा है ये ब्लैक होता है क्योंकि ज़्यादा हीट पकड़ता है। सो फ्रीजर्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स। वाई? सो फ्रीजर्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर्स बिकॉज द कोल्ड एयर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट इज डेंसर एज कम्पेयर टू द एयर एट द बॉटम ऑफ द रेफ्रिजरेटर। द डेंसर कोल्ड एयर स्किन्स डाउन एंड फोर्सेस द एयर एट द बॉटम टू राइज अप। दिस एयर बिकम्स कोल्ड एंड रीचिंग द फ्रीजर। ओके, ये जो है ना, हम देखें जो फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर, सो फ्रीज होता है। सो फ्रीज के ऊपरी हिस्से में क्या होता है, फ्रीजर लगा होता है, क्योंकि जब ये हवा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, मतलब कि उसका वजन बढ़ जाता है। तो अगर नीचे फ्रीजर रख देंगे, नीचे वाले में फ्रीजर रखेंगे, तो ये जो हवा है ना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाता है और ठंडा हवा नीचे आता है ना, तो इसलिए फ्रीजर को ऊपर रख दिया गया। और यहाँ पर जो ठंडा हवा आएगा ये नीचे आएगा, क्योंकि उसका वजन बढ़ गया होगा। आया ना समझ में? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सो वी प्रिफर वेयरिंग डार्क कलर क्लॉथेस इन विंटर्स। सो वी प्रिफर वेयरिंग डार्क कलर्ड क्लॉथेस इन विंटर्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट ऑफ द सन एंड कीप अस वार्म। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन था और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। सो इसको आप लोग पॉज कर देना है और लिख देना है। ओके, जो भी है होमवर्क आपका आप लिख देना है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। ओके, देन नेक्स्ट। सो वॉट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो वॉट इज द यूज ऑफ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम एटमोस्फियरिक टेम्परेचर ऑफ ए डे। सो वॉट इज द SI यूनिट ऑफ हीट। जूल इज द SI यूनिट ऑफ हीट। देन गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। प्लास्टिक्स, वुड, बेकलाइट आर थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, सो वाई इज मर्क्यूरी यूज इन थर्मोमीटर्स। सो मर्क्यूरी इज यूज थर्मोमीटर बिकॉज इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट फॉर द वाइड रेंज ऑफ थर्मोमीटर। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी इजी टू सी बिकॉज इट हैज ए सिल्वरी ग्रे कलर। सो इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। ओके, देन नेक्स्ट, सो एक्सप्रेस 48 डिग्री फारेनहाइट ऑन ए सेल्सियस स्केल। फॉर्मुलेट द कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर इन फारेनहाइट सेल्सियस। सो डिग्री सेल्सियस इज द फॉर्मूला। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। वी नीड टू कन्वर्ट 48 डिग्री फारेनहाइट टू सेल्सियस। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसका फॉर्मूला डाल देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी 48 डिग्री फारेनहाइट इंटू सेल्सियस, तो हमें अभी फारेनहाइट दिया गया और फारेनहाइट का जो फॉर्मूला है हम डालेंगे यहाँ पर। अभी फारेनहाइट 48 इसको सेल्सियस में डालेंगे। ये 5/9 था तो हमने यहाँ पर डाल दिया, और ये जो फारेनहाइट की जगह था 48 फारेनहाइट दिया है, तो यहाँ पर फारेनहाइट ये 32 था लिख दिया हमने। मतलब कि अभी ये 5/9 हो गया, ये 5/9। सो 48 माइनस 32 इज 16। सो 16 फाइव से क्या क्या हो जाएगा, हो गया अभी 16 5 से क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80/9। सो ये हो गया 8.89। ओके, इसको आप लोग कर देना है कॉपी में। ओके, और भी सब बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग बुक से देख कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मतलब कि मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो आप लोग को पता है कि हमारा इंस्टाग्राम का जो आईडी है आपको मालूम है,
पॉलिटी एकेडमी का, और आपका जो टेलीग्राम का चैनल भी आपको मालूम है, आप लोग वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो और मैं आपका आंसर दे दूँगा वहीं पर। सो व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर एंड ऑफ ए बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ओके, देन डिफाइन रेडिएशन। Define radiation. So, radiation is the process of transfer of heat which does not require any medium. In this process, the heat is transmitted from a hot body in all directions without the help of intermediate particles. Then, what is NIC? There is a construction in the tube near the bulb of thermometer. This construction is known as NIC. It ensures that the mercury in the thermometer does not contact and flow back into the bulb before the thermometer is read. Okay, ये long question type answer, long answer type question. So list the precautions that should be taken while using thermometer. So handle the thermometer carefully as it can break easily. Remember, mercury is a toxic and should not be swallowed. Okay, then next point. So always thermometer before and after use. Always wash thermometer, WSH, wash thermometer before and after use. Always make sure that the mercury in the thermometer is below the mark of normal temperature before use. Okay, the next, read the temperature by keeping the thermometer at the eye level, then do not hold the thermometer by the bulb. Okay, so explain briefly the different modes of heat transfer. There are three modes of heat transfer: conduction, convection and radiations. So first आ जाते हैं conduction. So it is the process of transfer of heat from the hotter to the colder end of the body or between two bodies at different temperatures which are in contact with each other. Transfer of heat by the conduction takes place mostly in solids. Conduction occurs when the molecules at the hotter. So in the increase in energy, so hotter end of the open object acquire energy and vibrate. The increase in energy results in the rise in temperature. Okay, then convection. What is convection? Convection, the process of transfer of heat in liquids and gases from the hotter part of a substance to the colder part by the actual movement of the particle is called convection. As convection requires movement of molecules, it is not possible in solids because the molecules in solids are held by strong intermolecular forces. Okay, then radiations. Radiation is the process of transfer of heat which does not require any medium. In this process, the heat is transmitted from a hotter body in all directions without the help of intermediate particles. So radiation does not heat the medium through which it passes by. The process of radiations also the transport through vacuum. Okay, ye ho gaya radiations. So now the question number C, write some applications of convection. So ventilators are made near the ceiling of a room because the air breathe out is warm. It rises and goes out through the ventilators. Cool and fresh air enters the room through window and door which are much below than the ventilators. The next, heaters and blowers used to heat up a worm should be placed near the ground level so that they heat the entire room
बाय सेटिंग ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स. ओके नेक्स्ट पॉइंट. सो फायरमैन क्रॉल वाइल एंटरिंग ए बिल्डिंग ऑन फायर बिकॉज हॉट एयर एंड स्मोक आर लास्ट नियर द ग्राउंड. ओके तो ये जो रिंगते रिंगते जाता है ना फायरमैन, क्योंकि जो हवा होता है गर्म हवा वो ऊपर चला जाता है और जो मतलब निचला वाला हिस्सा थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए रेंगते रेंगते जाता है, याद रखना है. सो नेक्स्ट पॉइंट. सो एयर कंडीशनर्स यूज टू कूल रूम शुड बी प्लेस्ड एट हायर लेवल एज कोल्ड एयर इज हैवी एंड विल कॉम डाउन एंड कूल द रूम. Then explain how conduction, convection and radiations are minimized in a thermoflask. The outer casing of the thermoflask is made of an insulating material like plastic that minimizes the heat loss due to conduction. So heat loss due to convection is minimized in the इनर जार मेड अप डबल ग्लास और स्टेनलेस स्टील ड्यू टू द वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन देम. देन द इनर सरफेस ऑफ द जार इज हाईली रिफ्लेक्टिव. दिस मिनिमाइज द हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशंस. द हीट रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द जार. ओके देन डिस्टिंग्विश बिटवीन 8 नंबर क्वेश्चन. सो लैंड एंड सी ब्रिज, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, लैंड ब्रिज. So during the night the land cools down faster and the sea water is still warm. The warm air above the sea rises up cooler and from above the land rushes to the to take its place. So thus a cool breeze blows from the land towards the sea, which is called land breeze. So sea breeze. During daytime land heats up faster than water. The air above the land also gets heated and rises up. Then sea water is cooler. The air above the sea water is also cooler and rushes to take the place left by the hot air. So hence cool breeze blows from the sea towards the land, which is called sea breeze. ओके सो क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सो फर्स्ट आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉक्टर्स थर्मोमीटर. इट इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बींग्स. दिस थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर बिटवीन द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 37 डिग्री सेल्सियस टू 98.6 डिग्री फारेनहाइट. The normal temperature is indicated by a little arrow on the thermometer. There is a construction or nick in the tube near the ball, which ensures that the mercury in the thermometer does not contract and flow back into the ball before the temperature is read. Okay. Then laboratory thermometer. Laboratory thermometer. It is used in laboratory and has a temperature range of minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. The bulb of a laboratory thermometer is filled with mercury or alcohol. Laboratory thermometers are generally more sensitive to temperature change. Hence, they instantly show rise and drop or increases and decreases in temperature. We cannot use it for measuring body temperature. Because as soon as it will be taken out of the mouth, there will be a drop in temperature, and thus it will give a wrong reading of the temperature. Then conduction, convection, and radiation. Conduction, convection, radiations. So first point, the transfer of a heat from hotter region to the colder region so that there is no actual movement of the particle of the medium. Okay, medium. Then convection. Convection. The transfer of a heat by the movement of particles from hotter region to the colder region. Okay. Then radiations. The transfer of a heat directly from hotter region to the colder region without any intervening medium.
देन सेकेंड पॉइंट, सो मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, इसमें मटेरियल मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड इन दिस सेक्शन. सो देन इट इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम, इट इज पॉसिबल इन वैक्यूम, ये भी पॉसिबल इन वैक्यूम. सो दिस इज दिस प्रोसेस इज स्लो, दिस प्रोसेस इज फास्टर देन कंडक्शन, दिस प्रोसेस इज द फास्टर, सबसे ज़्यादा. तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, तो कमेंट कर देना है और लाइक शेयर तो करना है और सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाते जाओ. ओके, थैंक यू.